जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत दुख देखे और बहुत असफलताएं और धोखे देखे हैं ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी उसका माथा ऐसा ऐसा कहेगा, दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है भैया, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में सब धोखेबाज है दुनिया में। क्योंकि ये माइंड जो सिमुलेशन करेगा, वो पहले के जो ग्राफ बन गए, जो पहले के पैटर्न बन गए, जो पहले के अनुभव बन गए, उनके आधार पे आपकी जिंदगी में प्रिंट बनाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप में मैं सब लोगों को सीधा प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको ज्वालामुखी में कूदा दिया जाए तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आप ज्वालामुखी में कूद तो चुके, अब आप पहला काम क्या करोगे? आनंद लोगे, वहां पे डांस करोगे? पहला काम क्या करोगे? चिल्लाओगे या निकल के भागोगे? ये तो भूल ही गए सबकी, निकल के भागना भी है, जलवानी है क्या वहां पे सारी? बताओ बताओ, पहला काम क्या करोगे? भागोगे ना, और कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सी भी, अपन जब माचिस की तिल्ली से भी जलते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि बाहर है, अरे हटाई इसको, बाहर है क्या कर रहा है, हटाते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी में कूदोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा है क्या? तो कूदने का तो लफड़ा ही नहीं, फिर भी आप भागोगे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले के अनुभव ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी में जल जाती है, पहले के अनुभव और मानसिक चित्रण ये कह रहा है ज्वालामुखी में लावा होता है और वो गर्म होता है, जो कभी देखा नहीं उसके लिए भी कह रहे भागेंगे भागेंगे। अच्छा, आपके सामने डायनासोर आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? हेलो हाउ आर यू, फेसबुक आईडी क्या है, ऐसा पूछोगे? पहला काम क्या करोगे? अपन ने डायनासोर देखा क्या? लेकिन पहले के अनुभव कह रहे हैं भागने में ही फायदा है। ऐसे जिंदगी में हमारे जो अतीत के अनुभव है ना, मतलब दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है, मेंटल सिमुलेशन उसी का पॉजिटिव होगा जिसकी जिंदगी में पहले के कुछ ब्लूप्रिंट पॉजिटिव हैं।